स्वच्छ भारत स्वच्छ इंदौर के तहत इंदौर के नौलखा चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय की पहल पर आम जनता और व्यापारियों ने दिया भरपूर सहयोग। स्वयं हटाए रोड में बाधक बन रहे अपने निर्माण, चार बार स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद इंदौर के नौलखा चौराहे से नेमावर रोड एवं भवरकुआ की ओर जाने वाले लेफ्ट टर्न को लेकर बाधक बन रही दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम का अमला नौलखा चौराहे पर पहुंचा तो व्यापारियों द्वारा निगम का सहयोग देते हुए स्वयं ही सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रही दुकानों को हटाने का कार्य किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष शर्मा उर्फ मामा द्वारा बताया गया कि नौलखा से नेमावर रोड पर वाहनों की आवाजाही रहती है जिससे लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। ऐसे में कई बार इमरजेंसी वाहनों को भी निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंदौर के तीन नंबर के विधायक आकाश विजयवर्गीय और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें सभी व्यापारी बंधुओं द्वारा अपनी सहमति से सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रही दुकानों को व्यापारियों द्वारा खुद ही हटाना शुरू किया गया। वहीं नौलखा चौराहे पर बरसों पुराने शिव मंदिर और माता मंदिर लेफ्ट टर्न में बाधक बन रहे इसे भी जल्दी से व्यापारी बंधुओं की सहमति से स्थानांतरित किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष शर्मा द्वारा बताया गया कि नौलखा से नेमावर रोड की ओर बरसों पुरानी दुकानों को 15 फीट से लेकर 25 फीट तक पीछे किया गया है जिससे रोड चौड़ीकरण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। सभी व्यापारी और निवासियों की सहमति से भरपूर सहयोग दिया गया। पता है आज किस तरह से निर्माण हटाया जा रहा है, क्या बाधा है? ये जो लेफ्ट टर्न का काम चालू करा है नौलखा चौराहे पर, तो अभी जो ये नेमावर रोड है यहाँ के व्यापारी संघ और रहवासियों से हमारे माननीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, माननीय कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, ये जो चर्चा अनुसार जितनी बाधक में जो जगह आ रही है उसको हम स्वेच्छा से हटा रहे हैं, उसका काम हमने आज से चालू कर दिया है। लगभग यहाँ जो 20 से 22 दुकानदार हैं और 10 से 15 रहवासी हैं जो वो खुद ही अपनी इच्छा से खुद ही हटा रहे हैं वो लेफ्ट टर्न के लिए। जिस प्रकार से पूरे चौराहे पर जो लेफ्ट टर्न हो रहा है लगभग सभी लोग अपनी स्वेच्छा से हटा रहे हैं और जो बरसों से यहाँ जो जाम लगता था उससे मुक्ति क्षेत्र के रहवासी और व्यापारी सब लोग मुक्ति पाएंगे उससे, जाम लगने के जो जाम लगता था। और जहाँ तक मंदिर है, जो मंदिर है उसको भी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। हमारी माननीय विधायक जी आकाश विजयवर्गीय जी से भी चर्चा हुई, वो स्थान चिन्हित कर रहे हैं। हमको कलेक्टर साहब और माननीय मनीष सिंह जी और हमें प्रतिभा पाल कमिश्नर ने भी हमको आश्वासन दिया है कि इसको उचित जगह पर मंदिर को शिफ्ट करेंगे और उसके बाद बाकी का चौराहे का काम चालू होगा। और साथ ही मैं हमारे माननीय विधायक जी आकाश विजयवर्गीय जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो जिस प्रकार से जाम की स्थिति, जो जाम लगता था उससे क्षेत्र के लोगों को मुक्ति जो दिलाई है, और साथ ही जो यहाँ के रहवासी और व्यापारियों से भी मिलकर इस समस्या का हल करा है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और कितना फीट करीब जा रहा है? करीबन यहाँ से जैसे ये नेमावर रोड पे जो ये जगह आ रही है अभी, ये 15 मीटर और आगे 25 मीटर और उसके आगे 35 मीटर ऐसे चौराहे तक 35 मीटर तक जाके ये चौड़ीकरण रोड का होगा। ये सब लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं? सब स्वेच्छा से कर रहे हैं हमारे, और इसमें हमारे माननीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी का जो हमको समर्थन है और जो हमारे को सहयोग है वो सराहनीय काम है उनका। आपका नाम? मनीष शर्मा मामा।